के निशाने पर हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। भाई जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे अखिलेश यादव के खिलाफ तब भी वो ट्रोलर्स के निशाने पे थे, और अब जब आम्रपाली दुबे उन्हें आई सपोर्ट करने चुनाव के आखिरी दौर में तो भी वो ट्रोलर के निशाने पर हैं। अब वो ट्रोलर के निशाने पर इसलिए हैं कि अपनी पत्नी को तवज्जो न देकर वो आम्रपाली दुबे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जी हाँ, आजकल ट्रोलर दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस मामले को लेकर काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी पत्नी की बजाय आम्रपाली दुबे को वो तवज्जो देते हैं जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए देनी चाहिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आज तक निरहुआ ने अपनी पत्नी को कभी मीडिया के सामने नहीं लाया। मीडिया के सामने न आने की सबसे बड़ी वजह दिनेश लाल यादव निरहुआ की समय समय पर रहने वाली गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, लोग कभी उनका नाम पाखी हेगड़े और कभी आम्रपाली दुबे से जोड़ देते हैं। लेकिन ट्रोलर्स को हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप निरहुआ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख लीजिए, जहाँ निरहुआ ने साफ साफ ये कहा है कि उन्हें कोई परहेज नहीं है अगर उनकी पत्नी मीडिया में या फिर उनके साथ कहीं रहे। यहाँ तक कि कई इंटरव्यूज़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ये भी कहते नज़र आए हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी पत्नी कैमरे के सामने या मीडिया के सामने आए, लेकिन उनकी पत्नी ही है जो नहीं चाहती कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर सोशल मीडिया या कैमरे के सामने आए। हम तो उन ट्रोलर्स को ये कहना ज़रूर चाहेंगे, अगर आपको इस बात से एतराज़ है तो निरहुआ के कुछ इंटरव्यूज़ जो ऑलरेडी यूट्यूब के कई चैनल्स पे मौजूद हैं उन्हें देख लीजिए। और रही बात आम्रपाली दुबे के साथ निरहुआ के रिलेशनशिप की, तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ियाँ ही चलती हैं। कभी पवन अक्षरा की चली, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की चली, और उन्हीं में एक नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे। यहाँ जोड़ियों में लोगों को पसंद ही किया जाता है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप इसे वरदान समझे या अभिशाप, जो लोग एक साथ किसी को टाइप कास्ट कर लेते हैं, एक हीरो के साथ एक हीरोइन को देख लेते हैं तो वो उन्हें पति पत्नी के रूप में ही देखने लगते हैं। तो इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे का क्या कसूर? वैसे भी आम्रपाली दुबे ने तो कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनका इरादा शादी का दूर दूर तक नहीं है, और दिनेश लाल यादव बाल बच्चेदार और शादीशुदा इंसान है। उनके साथ उनके घर तोड़ने का विचार तो वो सोच भी नहीं सकती। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।